हमारा एक ही ग्रीवियंस है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से और सबसे, कि हमें जिस पैटर्न पे लगाया गया था आप हमें उसी पैटर्न पे एब्जॉर्ब करें। आपने हमें लोएस्ट पे ग्रेड पे लगाया, फिर भी हमने काम किया विद एन अश्योरेंस कि हमें 5 साल बाद एक डिग्निफाइड पोजीशन जो हमारी एजुकेशन को जस्टिस दिलाए आप उसके हिसाब से हमें रेगुलराइज कर देंगे। बट अब हमारे जो 5 साल का जो टेन्योर है प्रोबेशन का वो कंप्लीट हो चुका है, उससे भी 5 महीने अब ऊपर हो चुके हैं, 6 मंथ चल रहा है। हमारी बस एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी कमिटीज़ बनाई थी या जो भी हमारे बारे में आप सोच रहे हो वो आप उसी हिसाब से सोचो कि हमें एक डिग्निफाइड पोजीशन मिल जाए। हमारा पे ग्रेड जो आपने लोएस्ट रखा है आप प्लीज़ उसको हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपग्रेड कर दीजिए। लगभग असें एक महीना होइया प्रोटेस्ट करते होंगे, तो जेकी साड़ी डिमांड थी वो असें इंदे अग्गे रखी, तो उस डिमांड के चक्करें अस पूरा महीना इत्थे बैठे दे होइए। फिर इन्हें साड़ी मीटिंग कराई सी एस साहब कन्नै, लेकिन उस मीटिंग च जेका उंदे कन्नै साड़ी गलबात होई उस कन्नै साड़ा ना मसला कुछ उन्हें भी समझ नहीं आया, तो जेके बीजेपी के लीडर ये भी उन्हें समझाई नहीं सके। बेसिकली ये लोग रेगुलराइजेशन के चक्कर से, लेकिन साड़ी डिमांड जेकी थी वो थी साड़ी मॉडिफिकेशन। अस महीने का एक इस चीज़ें पिछले बैठे थे कि असें एक मॉडिफिकेशन चाहिए ताकि असें एक रिस्पेक्टेबल जॉब करने का मौका मिला, तो अस करचै। तो मीटिंग हुई उहदे बाद इन्हें गल रखी साड़ी, लेकिन वो गल असें ठीक नहीं लगी। हुन उन्हें असी ऑफर दिता लेकिन असें वो चीज़ एक्सैप्ट नहीं है। साड़ी इक्कै चीज़ है कि असें चाहिए मॉडिफिकेशन, तो जल तक मॉडिफिकेशन नहीं होग तो तल तक असें नहीं उठना। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।